अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि सुजुकी में रस्टिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, उसमें जंग आ जाता है जगह जगह पे। और मेरे वाले बाइक को ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, शायद 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो उसमें भी कुछ पार्ट्स हैं जिसपे जो जंग वगैरह है वो काफ़ी आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए और इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, जंग से कैसे बचाया जा सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि मैं WD-40, अगर आपने देखा हुआ हो, ये लेकर आया हुआ हूँ। और आज हम देखते हैं कि इस पे रस्टिंग को कैसे कम या ख़त्म किया जा सकता है। अब आप ये देख रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था कि यहाँ पर जब इसको गार्ड को टाइट किया था तो यहाँ पे निशान कुछ पड़ गए थे। उसके अलावा जो गार्ड के जो लोहे का एक फ्रेम है जिसपे आपने टाइट किया हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि नट बोल्ट जो उसके अपने हैं उस पर जंग आया हुआ है, ये है। इसके अलावा जो हॉर्न वाली साइड है वहाँ पे जंग है, ये नीचे। खैर, ये बाइक का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। इसके ऊपर जंग है, यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा जंग आया हुआ, यहाँ पे आया था लेकिन मैंने ब्लैक पेंट कर दिया था। तो इस तरह के इसके कुछ पार्ट्स हैं जिन पे जंग आता है और आया हुआ है। तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। और WD-40 जो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जिन्होंने यूज़ किया होगा उनको आइडिया है इस चीज़ का कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको कैसे और कहाँ पे कब यूज़ किया जाता है। इसको आप जो रस्टिंग है उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई गाड़ी का या बाइक का कोई पार्ट है जिस पे आप समझते हैं कि कुछ ज़्यादा गंदगी आ गई है, मिट्टी शिट्टी, उस पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने डिस्क ब्रेक के ऊपर इसको स्प्रे नहीं करना, वरना आपकी डिस्क ब्रेक जो है वो स्लिप होना शुरू हो जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे भी एक थोड़ा सा ये आया हुआ है, जंग। इसको इधर कर देते हैं। ये जो पार्ट है अगर आप देख सकें, ये भी जंग आया हुआ है, इधर इसके ऊपर भी आया हुआ है। तो यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। रात को मैंने बाइक जो है वो वॉश करवाया था ताकि इसके पास सुबह जो है WD-40 प्रॉपरली मैं लगा दूँ, क्योंकि इस्लामाबाद में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों पे जंग आया हुआ है। और ये जो एक ख़ास जगह है ना इसकी, ये वाली, अगर मैं आपको एक मिनट, ये जो है पीछे का पार्ट, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा रंग होता है। और मेन यही रीज़न थी कि यहाँ पे कुछ किया था आपने। ये जंग अगर आया हुआ है तो इसको किक के ऊपर भी थोड़ा सा कर देते हैं। उसके अलावा जो पार्ट्स हैं फ़िलहाल तो अभी तक यही है, बाकी इसके जो नट बोल्ट्स आप देख रहे हैं इसके अंदर भी कर देते हैं गार्ड को, क्योंकि ये यहाँ पे ये देखें, ये देखें, तो इसके ऊपर भी हम स्प्रे करते हैं। इससे होता ही ये नीचे एक बाइक का पार्ट ही देखिए, बड़े बड़े पार्ट लगाया हुआ उसका है, ये देखिए कितना दम लगा हुआ। इसके ऊपर हम लगा देते हैं क्योंकि बाइक पे तो लगा हुआ ही है। अच्छा जी, थोड़ा सा अब हम इस साइड पे ये जंग लगा हुआ है किक के ऊपर कर लेते हैं। नीचे आप थोड़ी सी गंदगी देख रहे होंगे, तो नीचे ये जब से ये शीट लगी है तो मैं उस तरह उसकी सफाई नहीं कर पा पा रहा होता या कर सकता। तो हम इस पे भी WD-40 ही थोड़ा सा लगा देते हैं। स्टैंड में आप थोड़ा सा कर सकते हैं क्योंकि ये जैसे सख्त होता है थोड़ा सा, ये देखेंगे तो ये काफ़ी सख्त हुआ है। इसके ऊपर भी हम
जो स्प्रे है वो कर देता हूँ हल्का सा। ठीक है, ये आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि बहुत स्मूथ कर देता है ये चीज़ों को। फिर वहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर नज़र आए तो डबल स्टैंड जो है ये वाला, इसके उस वाली जो लेग है उसके ऊपर लगाया हुआ ये चीज़ है। मैं वहाँ पे भी स्प्रे मार देता हूँ। ये असल में यहाँ पे जो बैटरी है उसका पाइप है और वो इस वजह से ना रंग आया हुआ है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि जब ओवर चार्ज करती है ना बैटरी, तो वो उस पाइप के थ्रू बाकी जो एसिड है ना वो बाहर गिराती है। इसके ऊपर भी कर दिया, ये देखें फुटरेस्ट, एक तो ये स्मूथ भी हो जाएंगे, दूसरा इनके ऊपर से जंग चला जाएगा। यहाँ पर तो रह गया जो मेन था, ये कार्बोरेटर के ऊपर जो थोड़ी सी डस्ट वस्ट आई हुई है इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी ये फ़ायदेमंद चीज़ है, जहाँ पे आपको फील हो के हल्का सा आपको जंग नज़र आए ना, आप इसको वहाँ पे फ़ौरन से स्प्रे कर दें ताकि आपकी जो बाइक है वो जंग से बच सके। इन्वर्टर नट्स के ऊपर भी कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा हाँ, एक जो चीज़ है वो मेरा क्लच है, ये थोड़ी सी आवाज़ भी करता है और ऐसा लगता है जैसे फ्रीज हुआ हुआ या जाम हुआ हुआ है, तो इस पे भी हम थोड़ा सा कर देते हैं। चलो जी, ये भी हो गया। दूसरा, फिर बारिशों की वजह से जो आपका साइड लॉक वगैरह होता है इनके अंदर भी आप थोड़ा सा ये लगा दें, क्योंकि इसके अंदर पानी चला जाता है अक्सर, तो उससे भी बच जाएगा और ये थोड़ा सा आपका जो लॉक है वो रवा भी हो जाएगा। ठीक है, और इनके ऊपर भी कर देते हैं। बाकी मेरे ख्याल में इतना ही था, काफ़ी हद तक ये शीशों पे थोड़ा सा आया हुआ है। बाकी ये भी हम नोट करते हैं, बाकी अभी नोट करेंगे कितना वो रहता है जहाँ पे हमने स्प्रे करना है अभी। और थोड़ा सा स्टैंड के ऊपर नीचे वाली साइड पे भी कर देते हैं। इसको थोड़ा आपने ना आहिस्ता करना होता है जो स्प्रे होता है, उसकी वजह ये है कि ये इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ज़ाया ज़्यादा हो जाता है। और ये इसके आगे जो रेड पाइप लगा हुआ है आपने ज़रूर लगाना है, इससे तो आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। अब ये देखें, ये जंग वाला थोड़ा सा पार्ट है तो हम इसके ऊपर भी कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये देख रहे हैं आप जो साइलेंसर है ये, इसके अंदर वाली साइड पे ये काफ़ी जंग आया हुआ है, 3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, बाइक डेली धुलता भी है। नीचे वाली साइड पे कर देते हैं। इसके अलावा साइलेंसर के जो स्टैंड है वो देखें सामने, इस पे भी हो गया। बाकी जितने नट्स वगैरह हैं इन सब पे कर दिया गया है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो डिस्क ब्रेक है उसके ऊपर नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे आपका काम ख़राब हो जाएगा। बाकी एक ही साइड का स्टैंड रह गया, इस पे थोड़ा सा जंग आया हुआ है, इसके बाद आपने इसको वॉश नहीं करना, इसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा लगा लें
तो ये फिर थोड़ा सा आप समझेंगे कि कहाँ पे गया, डस्ट पकड़ रहा है, ये हो रहा है, वो है, उस चीज़ से थोड़े से आप बच जाएंगे। तो बाकी अभी यहाँ पे भी स्प्रे थोड़ा सा कर देते हैं, जो जैसे अभी यहाँ पे लॉक मैंने आपको बताया कि लॉक में भी थोड़ा सा करते हैं, तो इसमें कोई हैच नहीं है, पर तो ये थोड़ा सा आपके जो पार्ट्स हैं उनको थोड़ा सा डार्क भी ज़्यादा कर देगा, मुझे तो अच्छे लगते हैं। बाद में कपड़ा लगा लीजिएगा, वरना इन पर आपको लगेगा कि यार ऑयल ऑयल लगा हुआ है और डस्ट पकड़ रहा है। तो लेकिन यहाँ पर आप कर देंगे ज़रा अच्छा हो जाएगा। मैं मोस्टली ऐसी चीज़ों पर पार्ट्स पर कर देता हूँ। अगर से शीशे हैं, क्योंकि जो मेरा बाइक है, ये जो ऑफिस के नीचे लड़के होते हैं वो बाइक को धोते हैं, तो वो डेली धोते हैं, तो इसलिए वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अब जैसे ये रबड़ है ना, रबड़ के ऊपर भी बेशक आप कर दें, कोई मसला नहीं है। इनको तो थोड़ा सा जो ड्राइनेस होती है इसके ऊपर वो ख़त्म हो जाएगी, रबड़ आपकी कटेगी नहीं, इसमें भी कर दें। ठीक हो गया जी, ये इसके ऊपर भी हो गया। अब इसके ऊपर आपने खुश्क कपड़ा जो है ना वो लगाना है। बाकी अभी तक के लिए मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी है, जो डिफरेंट पार्ट्स थे आपको बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे आपने इसको कैसे यूज़ करना है। ये चीज़ है, यहाँ से मैंने वो रिफ्लेक्टर उतारे हैं, इसके अंदर थोड़ा सा जंग आया हुआ है, ये इसके अंदर भी आके हल्का सा दबा दें। तो ये अभी तक की मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी हो चुकी है, वीडियो बड़ी भी हो गई, आप लोग कहेंगे यार इतने से टॉपिक पे इतनी बड़ी वीडियो। तो ये बाकी अब मैं इसके ऊपर खुश कपड़ा लगा लूँगा, रस्टिंग का इसका यही हाल है। और ये जो एक प्रोडक्ट है बहुत मैं कह दूँ कि ज़बरदस्त है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं और करना चाहिए। लेकिन ये अभी मैंने ली है 6 कितने एम एल है, ये आ रहा है किधर, क्या लिखा हुआ, ये मेरे ख्याल में 200 ml की है, तो ये मैंने 490 की ली है अपने यहाँ से। तो शायद आपके वहाँ पर डिफरेंट रेट हो, क्योंकि दुकानदार अपनी मर्ज़ी के रेट लगाते हैं। यह प्रोडक्ट जो है वो यूके की है, तो आपने बस ये देखना कि ओरिजिनल है या नहीं आपके पास, बाकी सब आप कर लीजिएगा अपनी बाइक पे जहाँ पर। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।